इधर सरायकेला से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां आदित्यपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर कपड़ा दुकानदार से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद कपड़ा दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें को बंद कर दिया। और मामले को लेकर यह बताया जा रहा है कि ब्राउन शुगर को लेकर अपराधी कादिम के बेटे ने कपड़ा दुकानदारों में दहशत बनाने और हफ्ता लेने को लेकर रंगदारी मांगी, जिससे ब्राउन शुगर का वर्चस्व कायम रहे और नशे का कारोबार फलता फूलता रहे। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से आदित्यपुर थाना से खबर सामने आई कि थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर कपड़ा के दुकानदारों से रंगदारी मांगा जाता है और दुकानदार इससे काफी आक्रोशित भी नजर आए, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ की जो घटनाएं घट रही है, वो आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है यहाँ पे। और ये एक ऐसे जगह का बात है जहाँ पे बगल में ही थाना पड़ता है, आदित्यपुर थाना, आदित्यपुर थाने की बात है। तो जिस तरीके से बता दें हम आपको कि हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि सरायकेला के आदित्यपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर कपड़ा दुकानदार से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद कपड़ा दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें को बंद कर दिया। और ये पूरा मामला ब्राउन शुगर को लेकर बताया जा रहा है कि ब्राउन शुगर को लेकर अपराधी कादिम के बेटे ने कपड़ा दुकानदारों में दहशत बनाने और हफ्ता लेने को लेकर रंगदारी मांगी, जिससे कि ब्राउन शुगर का वर्चस्व कायम रहे और नशे का कारोबार फलता फूलता रहे। संवाददाता सुनील के पास एक बार फिर जाना चाहेंगे। सुनील, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एक मामला सामने आया जहां आदित्यपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर कपड़ा दुकानदारों से रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद दुकानदारों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मैं ठीक इसी बाजार में खड़ा हूँ, हमारे पीछे लाइन देख रही है कि जो कपड़े का लाइन है, बहुत जबरदस्त बारिश आ रही है, आप देख सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि कादिम खान कुछ महीने पहले ये जेल गया है, उनके कुछ बेटे हैं, बेटे हैं उनके द्वारा ही जो यहाँ के लोग हैं उससे मतलब कि लोग आ गए और उनके बेटे के रूप में अपना परिचय दिया गया और कुछ दुकानदारों से रंगदारी की मांग की गई। और महज 100 मीटर की दूरी पे है एक ये थाना है, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे भाईपुर थाना पड़ता है। बावजूद इसके यहाँ कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, ये दुकानदार हैं, यहाँ पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और दो वक्त की रोटी के लिए कोई भी कसम कस करता और मेहनत करता है, लेकिन ये ब्राउन शुगर, ये कसम कस, ये ब्राउन शुगर की जो ये लत है यहाँ के नौजवानों में, ये किसी को भी है, दुकानदार ही नहीं, ऐसे महज कोई भी इजरा चलते लोग हो या फिर कोई भी दुकान कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके पास हो जाकर के रंगदारी की मांग करते हैं, जो वस्ती छिया जप्ती भी करते हैं, ये ब्राउन शुगर की जो लत में ये आदित्यपुर के युवा डूब चुके हैं, यहाँ की बार बार ये थाना कोच करती है, जिला कोच करती है कि ब्राउन शुगर को हम दूर करें, लेकिन ये ब्राउन शुगर कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेता, चाहे लाख प्रयास कर रहे हैं यहाँ के थाना प्रभारी जो अभी राजन कुमार है, इन्होंने ये दावा किया था कि आदित्यपुर थाने से मैं ब्राउन शुगर की लत को जल्द खत्म कर दूंगा, लेकिन ये ब्राउन शुगर की लत खत्म क्या, वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाया और तमाम तरह की दावे सारे फेल हो गए। जिला पुलिस जो है सरायकेला जिला पुलिस बिल्कुल फेल हो गई है, 3 साल से यहाँ पे, 2 साल से करीब करीब यहाँ पे जो एसपी आनंद प्रकाश, उनके ये दावे थे कि ब्राउन शुगर का जो ये खेल है आदित्यपुर क्षेत्र से बिल्कुल बंद हो जाएगी, लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी बात की है थाना प्रभारी से, बोलते हैं हमारे उच्च अधिकारी जवाब देंगे, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। जब उच्च अधिकारी से बात कीजिए तो फोन नहीं उठाएंगे या फिर अपने जगह से नदारत मिलेंगे। झेलना किसको है, स्थानीय लोग है, कभी दुकानदार के रूप में, कभी आम आदमी के रूप में, या फिर यूं कहे कि आदित्यपुर के कोई भी आम जनता रात को सुरक्षित नहीं, रात हो या दिन हो, इन ब्राउन शुगर के नशेड़ियों से परेशान है। जो यहाँ की थाना है वो कुछ नहीं कर पा रही है, ब्राउन शुगर के लत में जो युवा फंस रहे हैं वो फंसते ही चले जा रहे हैं, बजाबते ब्राउन शुगर के इस धंधे में
है कि मोटी रकम भी थाने को पहुंचती है, जिला प्रशासन को पहुंचती है, इस कारण से ये लग जा नहीं रहा है। लेकिन आम हो या खास मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी जाति के कोई भी लोग, ऐसा बात नहीं कि हम मुस्लिम बस्ती में ये फल फूला मुस्लिम बस्ती के लोग खुश है, नहीं, वहाँ के मुसलमान भी काफी भयभीत है, वहाँ के मुसलमान भी काफी डरे सा में रहते हैं, हिंदू और मुसलमान सभी को। यहाँ पे जिक्र किया है कि लोगों में एक भय बन गया है उनके, जिस तरीके से कुख्यात अपराधी कादिम का ये बेटा बताया जा रहा है, जिस पर ये आरोप लग रहा है कि उसने कपड़ा के दुकानदारों से रंगदारी मांगी, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है सुनील कि थाना बस 100 मीटर की दूरी पर है, ऐसे में ये अपराधी वहां पर आते, अपराधी के बेटे वहां पर आते हैं, रंगदारी मांगते हैं, और ये भी निकल जिस तरीके से हमने खबर देखा उसमें ये भी बात है कि मारपीट भी की जाती है, थप्पड़ भी मारा जाता है वहां के दुकानदारों को, तो ऐसे में सवाल पे सबसे बड़ा खड़ा होता है आखिर कादिम के बेटे में पुलिस का थोड़ा भय क्यों नहीं है। देखिए कादिम के बेटे हो या फिर किसी के बेटे हो, जो ग्राउंड से होगा नशा है उसमें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कम पड़ जाती है। आपके सामने कोई भी हो, वो नशा में कोई भी लोग रहे, वो किसी के भी लोगों को कोई भी मन की अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, चाहे किसी का भी बेटा हो, जरूरत नहीं है कि हाँ वो उसी के बेटे हो, यहाँ तक कि ठीक है यहाँ के लोग जो है जो नशेड़ी है वो किसी को भी कुछ नाम से नहीं पहचानते कि आप क्या है सामने में और किस ढंग के काम करते हैं, यहाँ तक कि जो आम लोग हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, बेटे चाहे किसी के हो, लेकिन जो नशे का खेत पहुंचता है आदितपुर क्षेत्र में, इतनी ज्यादा मात्रा में नशेड़ी लोग इतनी ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, हर गली चौक चौराहे नदी के नीचे पुल के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ब्राउन शुगर के जो भी है पीने वाले लोग हैं या उसका सेवन करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या पुलिस को पता नहीं है? पुलिस को सब कुछ पता है किस किस जगह पे ब्राउन शुगर का नशा होता है, किस किस जगह पे ब्राउन शुगर की खेत पहुंचती है, ये ब्राउन शुगर कितना फल फूल रहा है, जिला प्रशासन को पता। तो आखिर पुलिस को, पुलिस पर किसका दबाव है? जिस तरीके से आपने भी यहाँ पे सवाल उठाया, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार शराब, हमेशा हम ये देखते हैं कि नशा तस्करों पर नकेल कसा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ब्राउन शुगर का धरल्ले से खेल जारी है, तो ऐसे में पुलिस को भी जानकारी है, लेकिन आखिर पुलिस आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? आखिर किसका दबाव में, किसके दबाव में पुलिस वहां पर बनी हुई है? क्योंकि ये अगर हम यहाँ के मामले की बात करें तो थाने के महज 100 मीटर की दूरी पर ये मामला आया प्रकाश में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस पर दबाव इसलिए डाल सकती है कि पुलिस के पास लाल हरे पीले नोटों की जो गड्डी होती है बजाबते टाइम पर पहुंच जाती है। यहाँ के जो एसपी साहब हैं उन्होंने दावा किया था कि ब्राउन शुगर को हमारे रहते हुए कोई यहाँ पे नहीं फल फूल मैंने उसका सेवन नहीं कर सकता या फिर यहाँ नहीं पहुंच सकता या फिर ब्राउन शुगर जो ही कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो सकती है, लेकिन जो ब्राउन शुगर के कारनामे हैं इस आदितपुर का, समझिए कि इसको सबसे बड़ा एक गढ़ माना जाता है ब्राउन शुगर का, और इस जगह पे उस चीज का सेवन करके लोग न जाने कौन कौन सी गलतियां करते हैं। पुलिस की जहां तक दावा थी वो पूरे के पूरे फेल नजर आ रहे हैं। आदितपुर के जो थाना प्रभारी कई बार बदले गए ब्राउन शुगर की लत को लेकर के, ब्राउन शुगर की जो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में जो लोग सेवन करते हैं, ब्राउन शुगर के जो सेवन से यहाँ की जो युवा वर्ग पीढ़ी काफी बर्बाद हो रही है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे अच्छे तेज तरार मतलब थाना प्रभारी को यहाँ डिपुट किया गया थाने में, आदितपुर थाने में, लेकिन ये भी फेल हो गए, ये भी कुछ कर नहीं पाए, ये भी पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए, शायद इनको भी उस चीज की न जाने कैसी खेप पहुंच गई और न जाने कितने आदान प्रदान होने लगे जैसा कोई पता पता किसी को नहीं चलता है। लेकिन क्या आपके पास कोई दुकानदार है जिनसे आप यहाँ पे बातचीत कर सकते हो? आखिर उनसे हम जानना चाहिए, आखिर उनके जुबान से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आपके पास कोई दुकानदार वहाँ पे मौजूद है? देखिए दुकानदार दुकानदार जो दुकानदार लोग है जो एक मिनट सुनिए, शांत रहिए आप, जो दुकानदार लोग है उनका सीधे तौर पर कहना है कि सर एक आदमी जो है सिर्फ उनके भी बेटे को लेकर बात नहीं होती है, यहाँ आए दिन इस तरह की परेशानी अगर किसी के साथ भी होती है तो उसमें हम लोग को यहाँ पे सुरक्षा चाहिए। जो यहाँ के जो थाना है 100 मीटर में 100 मीटर की दूरी पर ये बाउंड्री है, ये आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ जो बाकी दुकानदार सब है, इसके बाद सीधे थाना पड़ता है, ये थाना है, इसके बाद सीधे इस दीवार के बाद थाना है। जब उस थाने को इसकी भनक नहीं लगती है कि यहाँ कितने दुकानदारों को परेशान किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता हो, इतने नशेड़ी पहुंचते हैं यहाँ तक कि थाना के बगल में ही नशा का सेवन किया जाता है, थानेदार वहां से गुजरते हैं, आते हैं जाते हैं,
लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है किसी भी नशेड़ी के खिलाफ कुछ बोल देने का। अगर सिर्फ दिखावे के लिए होता क्या है कि दो चार नशेड़ी को पकड़ के लाकर थाने में बंद कर देना, भैया उससे क्या होता है? जो नशा के मेन काम, जो नशा के मेन मतलब की कारोबार है, जो नशा के मेन कारोबारी है उनको पकड़िए ना, ये दो चार पीने वालों को पकड़ने से क्या फायदा है? और शायद देखिए मीडिया कुछ दुकानदार भी हमारे पास है, लेकिन डर से भय से किसी का भी भय हो सामने आने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इस जगह से ब्राउन शुगर काफी ज्यादा फल फूल रहे हैं। इस जगह पे ब्राउन शुगर का गढ़ माना जा रहा है इस आदितपुर क्षेत्र को, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी को हो, सभी लोग त्रस्त है इस ब्राउन शुगर के नशे से। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि सरायकेला से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां कपड़ा दुकानदारों से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया। जिस तरीके से वहां के कुख्यात अपराधी कादिन के बेटे पर यह आरोप लगाया है दुकानदारों ने कि कपड़ा दुकानदारों में दहशत बनाने और हफ्ता लेने को लेकर रंगदारी मांगी गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है।